हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। इसमें डिस्कस करेंगे वो सारे लेवल्स जो आपको दिए गए थे ट्रेडिंग के लिए और मार्केट किस तरीके से उसके ऊपर डांस किया कर रही थी आज और कल, जो कि रहेगी एक मंथली एक्सपायरी। गाइस डोंट फॉरगेट, इट्स अ मंथली एक्सपायरी और कल होने वाला है एक बड़ा मूव। एक्सपायरी का बहुत बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा। डेट रहेगी 27th of April। डोंट फॉरगेट टू ट्रेड टुमारो। बहुत अच्छे मोमेंटम मिलने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली। इससे पहले अगर आप वीडियो बनाए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। गाइस, पीपल आर शॉर्टिंग मार्केट हियर, बट हम मार्केट पे यहाँ टॉप पर इसको शॉर्ट करके बैठे हैं। हमने यहाँ पर पुट बाय की थी और हम उसको होल्ड कर रहे थे। मार्केट नीचे की तरफ भी है। आज मॉर्निंग में सुबह सुबह बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है आपको। जीरो हीरो जो दी थी मैंने 29 रुपीज की, इट हैज मेड अ हाई ऑफ 70 रुपीज। पैसा डबल यहाँ पर बुक करने को बोला आपको। एक टेलीग्राम चैनल के अंदर एक मैसेज करके मैंने ये भी बोला था कि प्लीज गो अहेड एंड बुक द प्रॉफिट। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो गाइस बहुत मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जुड़े रहें, क्योंकि लाइव मार्केट के अंदर जो चेंजेस होते हैं ना उसकी इन्फॉर्मेशन वहीं पे दी जा सकती है। गैप डाउन बोला था, गैप डाउन हुआ, मार्केट ने नीचे की तरफ किया और बहुत अच्छे पैसे अपडेट मिलते रहे आपको। बुक करने के लिए भी बोला और जहाँ से बुक करने के बोला मार्केट ने वहाँ से इम्पॉर्टेंट गोल्डन लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर गया। ये गोल्डन लाइन कौन सी है? ये गोल्डन लाइन से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गोल्डन सपोर्ट लेवल पे है जो कि है 42,444। नाउ ये क्या है? ये एक ऐसा मैजिकल सपोर्ट लेवल है जो बहुत रेयर होता है और जब भी होता है बहुत अच्छे रिजल्ट देके जाता है। आज मार्केट में निफ्टी के अंदर भी एक ऐसा सपोर्ट था जहां से मार्केट ने लास्ट में बहुत अच्छा सपोर्ट लेके रैली दिया है और साथ के साथ यहां से भी इसने सपोर्ट लेके रैली दिया है। ये सपोर्ट क्या है? ये सपोर्ट हम सीखने वाले हैं 30th अप्रैल की फिबोनाची वर्कशॉप में। तो अगर अभी तक आपने 30th की वर्कशॉप में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, 499 रुपीज फीस है, लेस देन अ पिज्जा कॉस्ट, ठीक है। Come attend, even if you want to invite your trader friends, invite them, gift them by buying them. This particular workshop will happen 2 PM. उसके अंदर हम सीखने वाले हैं फिबोनाची क्या है, how to draw फिबोनाची, और साथ में as a bonus, I am going to teach you how to draw these magical level. तो चार तरीके के level होते हैं। पहले होते हैं psychological level, numerological level, numerology के ऊपर काम करते हैं। Third होते हैं आपके फिबो के level, और चौथा होता है आपका EMA बेस लेवल्स। आपको ये जो लेवल होते हैं गाइज, ये स्टैटिक नहीं होते हैं, ये डायनामिक होते हैं जो बार बार चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये स्टैटिक लेवल्स होते हैं। इनको कैसे ड्रॉ करना है, कैसे आप इसको फायदा उठा सकते हैं, वो सब हम सीखने वाले हैं 30th। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कम जॉइन अस एंड लर्न द आर्ट। कमिंग बैक टू द पॉइंट गाइज, यहाँ से मार्केट ने एग्जैक्टली जो आपको लेवल दिए थे गाइज, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, लेवल तोड़ा, सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गया, रीटेस्ट ऊपर की तरफ जाके देखेंगे तो यहाँ पर एक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। ये भी मैंने आपको बताया था, ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन इसने किया। यहाँ से इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुआ, नीचे की तरफ आया, ऊपर की तरफ गया और यहाँ पर इसने ब्रेकआउट देखे हमारी ठोको जोन पर, और जो कल का हाई था एग्जैक्टली उसके आसपास ही क्लोजिंग देकर मार्केट में क्लोज किया, वहीं से एक रिजेक्शन लिया है बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। मार्केट ने गैप यहाँ पर ओपन किया, नीचे की तरफ आई, हमारे पॉइंट से सपोर्ट लिया, ऊपर फ्लैग का फॉर्मेशन, ब्रेकआउट एग्जैक्टली पिन पॉइंट यहाँ से रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट, W बनाया और का ब्रेकआउट लेके इसी के पास आस में खत्म किया। ये सिनेरियो बना। इन लेवल्स को मैं कर दूंगा डिलीट, क्योंकि आपको देने वाला हूँ कल एक्सपायरी के स्पेशल लेवल्स जो आपके ट्रेडिंग में चार चांद लगाने वाले हैं। उससे पहले एनालिसिस की बात करते हैं। डेली के चार्ट पे देखेंगे तो गाइस एक बहुत ही शानदार और बुलिश कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है। दिस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। इसके अंदर सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल को इंगल्फ कर लिया है, खा लिया है, ढक लिया है, कवर कर लिया है। दैट्स व्हाई दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज इंगल्फिंग पैटर्न। निफ्टी के अंदर बात करें तो बहुत अच्छी कैंडल बनी है, इट्स लाइक अ हैंगिंग मैन बट इट्स अ रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। और अगर हम इसकी बात करें फाइनेंशियल निफ्टी की, यहाँ पर भी एक अच्छी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो क्वेश्चन कम्स गाइस, मार्केट में पॉजिटिव है क्या?
पॉजिटिव बात क्या है, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, विच इज़ पॉजिटिव। एक अच्छी वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हुआ है, विच इज़ पॉजिटिव। यहाँ पर काफी लोगों को बोल रहा है ये पहली कैंडल है जो इस पर्टिकुलर के ऊपर क्लोज आई है ग्रीन कलर की कैंडल में, तो दैट्स पॉजिटिव। ठीक है, साथ के साथ गाइस इंपॉर्टेंट लेवल्स का भी ब्रेकआउट है। मार्केट ने 42,800 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है, फाइनेंशियल निफ्टी ने 19,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, और साथ के साथ निफ्टी ने 17,800 के ऊपर क्लोजिंग दी है जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल थे, तो इनके ऊपर क्लोजिंग देना भी पॉजिटिव है। कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स मार्केट में आई एम एंटिसिपेटिंग अ गैप अप टुमारो, गैप अप टुमारो। नाउ ये इतनी जानकारी सुनने के बाद जो 10 रुपए के रिचार्ज कराने वाले दोस्त है वो भाई वापस आएंगे, जो पहले आए थे सवाल पूछने, आज सुबह जब लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया 10 EMA की स्ट्रेटेजी में तो वो कुछ नहीं बोले, लेकिन अब वो दोबारा वापस आएंगे, अरे तेरी तो 10 EMA टच नहीं हुई मेरे भाई, अरे भाई नहीं हुई तो नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या दिक्कत है, ठीक है, आपको नहीं लेना ट्रेड तो मत लीजिए। 10 EMA की स्ट्रेटेजी बोलती है गाइस मैक्सिमम जो हमारी शॉर्ट रैली होती है उसके अंदर 8 to 10 कैंडल्स टच करती है। अगर आपने मेरी 10 EMA की स्ट्रेटजी का वीडियो देखा है उसमें क्लियरली बताया है बिग रैली जो होती है गाइस उसके अंदर 15 to 17 कैंडल्स एट द मैक्सिमम देखा गया है कि 10 EMA टच हो जाता है, और एक बार हुआ है आज तक कि एक रेयर बिग रैली आई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, हुआ है, उसके अंदर 18 to 21 कैंडल के अंदर 10 EMA टच होती है, बट ये रेयर बिग रैली है जो अब जब से बैंक निफ्टी और निफ्टी बना है सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ है, ओनली वंस इट हैज हैपेंड। कैन दिस हैपन ट्वाइस, दैट्स द क्वेश्चन। बट अभी हम सेकेंड स्टेज के ऊपर है, मार्केट में कैंडल का अगर कैलकुलेशन करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 आज 16 कैंडल हो गई है। टुमोरो इज आर 17 फाइनल कैंडल फॉर सेकेंड स्टेज, द फर्स्ट स्टेज, दिस इज फाइनल कैंडल फॉर, क्या हमें कल 10 EMA टच होती हुई दिखाई देगी, विच मीन्स क्या हमें कल यहां से लगभग लगभग अभी 10 EMA कितनी आ गई है 596, मोटा मोटा 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस फॉल दिखाई देगा, 600 पॉइंट का फॉल दिखाएगा, दैट्स द क्वेश्चन। एम आई आस्किंग टू मच, नो। कैन बैंक निफ्टी डू इट इन वन डे, आंसर इज येस, बट डू वी नीड समथिंग फॉर दिस, येस वी नीड अ न्यूज फॉर दिस, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे US मार्केट तो नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, अभी भी देखेंगे तो नेगेटिव ही है, कल भी 350 पॉइंट का फॉल हुआ, लेकिन हमारी मार्केट ने रैली की, हमारी मार्केट जिसको बोल रहे हैं लोग डी कपल्ड हो गई है एंड वी आर नॉट फॉलोइंग द US मार्केट विच इज द मदर मार्केट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट्स, वी आर नॉट फॉलोइंग दैट, ठीक है। कैन दिस हैपन, यस। 10 EMA याद रखने का गाइस जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मार्केट विल नॉट गो बिग रैली, ठीक है, मार्केट विल नॉट फॉलो और विल नॉट ट्रेंड इन टू अ बिग रैली until and unless 10 EMA is done। कुछ चीजें होती हैं गाइस टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जिनका होना बहुत जरूरी होता है, अगर वो नहीं होती है तो मार्केट नहीं होती है। टेक्निकल एनालिसिस बोलता है 10 EMA को टच होना चाहिए इस रूल के हिसाब से, अगर वो फॉलो नहीं करती है तो भाई मार्केट में बड़ी तेजी नहीं हो सकती है। और अगर याद रख लेना, मार्केट अगर 17 कैंडल के अंदर टच नहीं करती है तो सर इन रूल्स के हिसाब से नहीं चलती है, बी रेडी फॉर द बिगेस्ट फॉल एवर। मार्केट कहीं नहीं जा रही, फिर अगर सोच लो अगर 10 EMA को टच नहीं करेगी तो कहीं नहीं जा रही। अगर मार्केट को ऊपर जाना है स्वतंत्र होके इंडिपेंडेंट सस्टेनेबल तेजी दिखानी है 10 EMA को टच करके जाना पड़ेगा, ये मेरी सोच है, मेरा मानना है। ये स्ट्रैटेजी गाइस अगर पूछे मेरी है मेरी नहीं है, इट्स रिटन इन द बुक्स, अगर आपने बुक्स पढ़ी हैं तो बुक्स के अंदर एक ऑप्शन है कॉल मीन डाइवर्जेंस, एक कॉन्सेप्ट होता है गाइस इसको बोलते हैं मीन डाइवर्जन, दिस कॉन्सेप्ट इज टेकन आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इटसेल्फ, एंड मीन ये जो EMA है इससे डाइवर्ट होकर जो प्राइस गया है वापस जरूर आता है। जो साइकिल मैंने आपको बताया, ये साइकिल मेरा बनाया हुआ है, तो आई मॉडिफाइड दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। सो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगा वो या तो शॉर्ट रैली या तो बिग रैली, और रेयरेस्ट ऑन द ऑल रेयर बिग रैली के अलावा
आज तक कोई और चीज देखने को नहीं मिली है। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। अब आप पूछोगे कि सर आप बुलिश हो या बेरिश हो, मुझे ये बताओ। अगर आप यहाँ पर सिर्फ ये पूछने आ रहे हो कि मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, तो आप गलत जगह आए हो गाइस, गलत चैनल के ऊपर आए हो। इस चैनल के ऊपर मेरा आपको लेवल देने का मतलब ये नहीं होता कि आप यू नो लेवल ले लो खाली और निकल जाओ। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, ठीक है। और अगर सीखने में मजा आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में भी बताना कि आपको सीखने को कुछ मिल रहा हो। कल के दिन ये एनालिसिस वीडियो नहीं भी रहेगी ना और ये सेटअप बनता है, तो मेरे भाइयों आपको इतना हेल्प होगा, आपको खुद पता होगा कि मेरे को मार्केट में क्या करना है, बाय रहना है, सेल में रहना है, ठीक है। आज भी हमने काफी अच्छा प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है, बुक किया है, और एंड में हमने दोबारा पोजीशन बनाई है पुट साइड की दोबारा। हालांकि लॉस में बंद हुई है क्योंकि मार्केट एंड में जबरदस्ती की रैली करके गया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पहले भी हम लॉस के अंदर थे, 50-60 हज़ार रुपए, 1 लाख के लॉस के अंदर थे। आज 2 लाख रुपए बुक किए मैंने, ठीक है, 2 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट किया है अकाउंट्स के अंदर। दोबारा पोजीशन बनाई है जो 30-40 हज़ार रुपए लॉस के अंदर चल रही है, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि 10 EMA में टच करने आएगा। बट आपको ट्रेड करना आना चाहिए, एवरेज करते आना चाहिए। देखिए जब भी आप 10 EMA को ट्रेड करते हैं, अगर आप एक लॉट ले रहे हैं तो आपको मिनिमम 5 more लॉट लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और एवरेज कब करना है, जब आपका प्राइस से मिनिमम 10-15% मार्केट डाउन चली जाए तब आपको एवरेज करना है। उसके हिसाब से आप एवरेज कर सकते हो, क्लोजिंग पर एवरेज कर सकते हो और आपको प्रॉफिट होगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। एक ही दिन प्रॉफिट दिखा के दे जाएगा। अभी यहाँ पर कोई कैंडल बनी नहीं है, ध्यान से सुनो जो मैं बात कर रहा हूँ, अभी यहाँ पर कोई कैंडल बनी नहीं है गाइज, याद रखना। 10 EMA का जादू याद रखना, क्यों, क्योंकि अभी यहां पर कोई कैंडल बनी नहीं है। याद क्या रखना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और मार्केट है, एक बात का आपको हमेशा याद रखना है कि मार्केट बिना 10 EMA को टच किए कोई भी सस्टेनेबल तेजी नहीं कर सकती है। आप जबरदस्ती की ट्रेडिंग जब भी होती है ना, ये जबरदस्ती की जब भी चढ़ाई होती है तो मार्केट में ठुकाई ऐसी होती है, मार्केट ऐसे ही वापस आ जाते हैं जिस तरीके से जाती है। जब तक मार्केट सस्टेनेबल तेजी नहीं करती है, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह देखे, तब तक कुछ नहीं होगा। और मार्केट को 10 EMA को टच करना पड़ेगा। 10 EMA निफ्टी ने कर लिए, बैंक निफ्टी ने नहीं किया, फाइनेंशियल निफ्टी ने नहीं किया, इन दोनों को करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो छोटे लेवल पे आ जाते हैं, लेवल देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पर ये एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हुआ है बकायदा, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ, आपको अच्छी तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर एक पैटर्न वाइज दिखाया क्या गया है, तब बायर भी तो बैठाने हैं ना, तो क्या ये ट्रैप है बायर्स को बिठाने के लिए। ये एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन किया, इसका ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट बहुत जरूरी है, तो रीटेस्ट का कल इंतजार रहना। ये मार्केट अगर नीचे की तरफ आती है, रीटेस्ट करके ऊपर जाती है, तो अपना टारगेट देने की तरफ पूरी तरफ जा सकती है। टारगेट क्या निकल के आता है, 43,250 इस हेड एंड शोल्डर का टारगेट निकल के आता है। हेवन सेड दैट, जो 10 EMA पे नहीं बैठा है गाइस, जो डेली बेसिस पर सिर्फ लेवल के ऊपर ट्रेड करता है, उसको सिर्फ इंट्राडे से मतलब है, उसको कोई व्यू से मतलब नहीं है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लेवल्स के ऊपर आते अपना ट्रेड करो। जो आज भी बहुत सारे लोगों ने बाय साइड पे बहुत अच्छा पैसा बनाया, क्यों, क्योंकि वो लेवल फॉलो कर रहे हैं। आप भी लेवल फॉलो करो, आपको व्यू से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इंट्राडे के अंदर आप, हाँ, पता होना चाहिए कि बेरिश अगर ट्रेंड है तो अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। बेरिश ट्रेड के अंदर कॉल साइड के ट्रेड पर कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आप ट्रेड कर सकते हो। ये एक डेफिनेटली बुलिश पैटर्न है, और यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे ना 15-15 मिनट चार्ट, यहाँ पर आप वॉल्यूम लगा दोगे तो गाइस ये कोई ये नहीं बोल सकता कि बेकार ब्रेकआउट है। दिस पर्टिकुलर कैंडल हैज गिवन अ ब्रेकआउट, ठीक है, ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, इसका वॉल्यूम खास नहीं था, मार्केट नीचे की तरफ आ गई। ये कैंडल गई है, देखो यहाँ पे वॉल्यूम देखो, ये छोटी लास्ट की जो कैंडल आई है इसके अंदर भी बहुत अच्छी वॉल्यूम आई है, तो वॉल्यूम इज वेरी गुड, इंक्रीज हो रही है वॉल्यूम, बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ में मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट ये वापस नीचे निकलती है, कौन से लेवल के नीचे, अगर मार्केट आपको कल ये लेवल तोड़ती भी दिखाई देती है, अगर आप बैरिश होना चाहते हो फ्रेश पोजीशन के लिए, तो जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा बैरिश होने के लिए वो रहेगा 42,653। ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो मार्केट आपको सीधा रैली देगा, कोई चौपीनेस नहीं, कोई कुछ नहीं, मार्केट सीधा सीधा कल गिरेगा 42,547। और उसके नीचे का जो लेवल आएगा वो आएगा ये इसका लो 42,450 के आसपास। ये दो लेवल आपको आते हुए दिखाई देंगे, उसके नीचे एम पैटर्न ऑफ कोर्स और नीचे की रैली आपको दिखाई देगी। अभी जो 10 EMA है वो 42,200 के आसपास चल रही है,
ये ऊपर आ गई है गाइस, आपको अगर याद हो तो ये 41,895 के आसपास चला करती थी, क्योंकि ईएमए के जो सपोर्ट होते हैं गाइस वो रेजिस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो डायनामिक होते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ईएमए कितना दिखा रहा है, 42,205, ठीक है। सो 42,205 आपका लेवल अभी देखने को मिल रहा है जो 10 ईएमए का है, और मार मार्केट को वहां तक गिना चाहिए तो ऑफकोर्स इसके नीचे भी मार्केट जाती हुई दिखाई देगी। मैं आपको दिखा देता हूँ ड्रॉ करके फटाफट, जो लेवल्स आप कल यूज कर सकते हैं एक्सपायरी वाले दिन ट्रेडिंग के लिए वो फटाफट बना लेते हैं स्किप करके, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो कल के लिए। तो मैं आपको कल के लेवल देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड करके, कल के लेवल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं। कल हम बाय कहाँ कर सकते हैं, 42,991 के ऊपर मार्केट अगर निकलती है तो 43,155 के लेवल आपको आते हुए दिखाई देंगे। उसके ऊपर रैली 43,430 की रैली आपको देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ 42,555 का एक लेवल है, 42,555 का एक लेवल है, मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल पर सपोर्ट ले सकती है। गोल्डन लाइन इसलिए कर रखी है क्योंकि मेजर सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे बाउंस आने के ख्याल रहेंगे। इसके नीचे सेल का पोजीशन आप बना सकते हो 42,269 का, और उसके नीचे 42,103। इसके नीचे रैली की तैयारी कर लीजिएगा, एक ही छोटा सा सपोर्ट लेवल फिर से आएगा जो कि है 40,444। ये बेसिकली एक नंबर है, इसको भी आप याद रखिएगा, ये एक सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि आज मार्केट ने ये बेसिकली यहाँ से सपोर्ट ले रहा है सेम लेवल के ऊपर। इसको यहाँ पर अगर करूँ, ठीक है, ये 44,444 की जो लेवल है ये बेसिकली यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, ये वही रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर रहा है, मार्केट उसके हिसाब से रैली कर रहा है। काफी लोगों को ये जान के बड़ी खुशी होगी, ये जो रैली हुई है गाइस ये फिबोनाची की ट्रेड है, यहाँ से अगर फिबोनाची का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ गया है। अगर आपको देखने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो बॉटम से, ये देखो एग्जैक्टली फिबोनाची से सपोर्ट लेके ऊपर गया, इसने उसका टारगेट भी दे दिया एक तरीके से, जो हम 30th को ऑलरेडी सीखने वाले हैं। लेकिन सेलिंग आप 42,555 के नीचे कर सकते हो, यहाँ पर आप सेलिंग का जोन बना सकते हो। मार्केट कल गैप अप हो सकती है तो उस बात का याद रखना, गैप अप अगर होती है और इस जोन के आसपास आती है 42,990 एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। मैं यहाँ पर ड्रॉ भी कर देता हूँ, 070 एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है, मैं बना ही देता हूँ ठोको मान लो, जैसे ही मानना है इसको। मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है और इस जोन के पास से रेजिस्टेंस लेती है तो गाइस सिर्फ ठोकना है मार्केट को, नीचे की तरफ लाना है, क्योंकि बहुत सारे सिनारियों हैं जो मार्केट में गैप अप कल बता रहे, और उसको देख के अगर गैप अप होता है तो मार्केट को नीचे की तरफ ही आना होगा, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे की तरफ आएगी। तो आप देख सकते हो बाय का लेवल आपका इसके ऊपर ही रहेगा, मेन जो आपको बाय करना है बड़ी क्वांटिटी में वो 43,155 के ऊपर है, क्योंकि इसके ऊपर कम से कम आपको 150 से 200 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग रैली जो आज आपको एंड में आती हुई दिखाई दी है वो आपको कल आती हुई दिखाई दे सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ लेवल्स की, स्क्रीन के ऊपर आपके ये रहे, बाय कहाँ करना है आपको, ये लेवल रहेगा 17,858 की, उसके ऊपर आपको 17,900 क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा, इसके ऊपर आपके पास जाएगा 17,973 के आसपास, ये जोन आपकी बनेगी। नीचे की तरफ अगर गैप अप होता है सेम सिनेरियो 17,858-60 के आसपास आपको सेलिंग की पोजीशन मिलती है, कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो आप उसको सेल भी कर सकते हैं, 17,747 और उसके नीचे यहाँ पर 17,662 का लेवल आपको आता हुआ दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये लेवल रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के, अपने चैनल के अंदर मैं शेयर कर दूंगा, उसके साथ में आप शेयर कर सकते हैं। मोस्ट लाइकली कल वी विल बी लाइव विद ऑल द यूट्यूब मेंबर्स अराउंड 11 AM, तो इफ इन केस यू हैव टेकन द यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन बाई प्रेसिंग द ज्वाइन बटन, हम आपके साथ 11 बजे से लाइव रहेंगे, तो उसके अंदर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ग्रुप के अंदर लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक कर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा इस लेवल जिसको आप चेज कर सकते हो, कल बना सकते हो, और बाकी काफी कुछ जो डिपेंड करता है वो रहेगा, डिपेंड किस पे करेगा, वो करेगा आज के डेटा पे और साथ के साथ यूएस मार्केट के बिहेवियर पर। हालांकि कल यूएस मार्केट ने अगर आप देखेंगे तो एम पैटर्न का ब्रेकडाउन दे दिया है, एम पैटर्न का ब्रेकडाउन दे दिया है अपना डेली चार्ट, और यहाँ पर फ्लैग का भी ब्रेकडाउन दे दिया है, ये देख रहे हैं अगर आप, इसका ब्रेकडाउन भी दे दिया है।
लेकिन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कि इसने इसका एम का तोड़ दिया है नीचे की तरफ, तो लॉजिक बनता है कि मार्केट और इसको फॉलोअप कर सकती है नीचे की तरफ। लेट्स सी कि क्या करती है, कब यूएस मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है ताकि हम उसको और अच्छे तरीके से ट्रेड कर सके। यूएस मार्केट अगर देखेंगे तो यहाँ पर नीचे ही गिर रही है, ओके 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ये गिरी थी, ये सपोर्ट जोन के ऊपर आ चुकी है। हाँ ये एक मेजर सपोर्ट जोन है, ये जोन टूटती है तो खत्म है मार्केट। ये देखो ये जोन टूटने के बाद एक लेवल ये, दो लेवल ये, लेवल में ऑलरेडी बना के बैठ चुका हूँ और यहाँ पर मैं डालूंगा अलर्ट ताकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि मैं कुछ शॉर्ट मारने वाला हूँ मार्केट को। तो यूएस मार्केट को सीधा ड्रॉप होगा रैली की तरह, यहाँ पर बीच में कुछ नहीं है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आराम से नीचे गिरने वाला है मार्केट, तो इसका देखें। लेकिन यहाँ से संभल गई तो अलग कहानी है, लेकिन ये टूट गई तो कहानी बदल जाएगी। तो सारा दामोदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यूएस मार्केट के शोल्डर पर चली गई कि वो आज क्लोज कैसा देती है। हालांकि मानी मार्केट सो कॉल्ड डी कपल्ड हो चुकी है, वो फॉलो नहीं कर रही है यूएस मार्केट को, लेकिन फिर भी यूएस मार्केट की क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। देखना होगा किस तरीके से सेटअप बनते हैं और हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जुड़े रहेगा, फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बचते रहिए, साथ रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।